आज का सेकंड पार्ट इंडे और साथ ही में जो है ना अच्छा बनाता दाल चावी और चावल। तो जब मैं ये सब देखती हूँ ना तो जो कि मेरे बच्चों के लिए नहीं हुआ, तो वॉइस को मेरे को बंद करना पड़ा क्योंकि सब कुछ सपने कब पूरे होंगे पता है जब लोग आप लोग लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अभी कैसे सोई तो बाइक पे? तो है ना हम लोग यहाँ से सीधे घर पे नहीं मेडिकल अधूरी बिना रह नहीं सकते। रह नहीं सकते। In my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy happy birthday to dear Faraz. तो चले फिर आप लोग भी जल्दी जल्दी बच्चों को हैप्पी बर्थडे विश कर दे। अभी आप लोग सोचोगे कि बर्थडे कल तो मदीना आपा ने बोले कि हकीका, मदीना ने बोली हकीका हुआ खतना हुई है बच्चे की और हकीका का फंक्शन है, तो ये बर्थडे कहाँ से आ गया? तो हाँ बर्थडे भी आ गया, बीच में क्या करेंगे, बच्चे का एक्चुअली ना बर्थडे भी था आज। तो ये जो बड़ा वाला है ना उसका बर्थडे था, छोटे वाले का नहीं था, बड़े वाले का बर्थडे था। तो साथ ही में जो है ना बर्थडे का केक जो है ना वो फूफू ने लेकर आई थी, तो चले वो भी एक गेट टुगेदर साथ ही में हो गया। आप लोग बोलोगे यार कितने फंक्शन एक साथ में, तो हाँ एक साथ में सारा तड़का मार लिए मेरे चाचा ने, तो ये भी तो होता है ना यार एक साथ में तड़के भी मज़ा आती है। तो चले फिर यहाँ से ब्लॉग शुरू करूँगी और ये जो है ना ये है कंटिन्यू ब्लॉग, मतलब कल का जो हकीके का ब्लॉग जो आधा अधूरा रह गया था ना उसको मैं करूँगी कंटिन्यू, ओनली बिकॉज के कल का ब्लॉग जो बहुत लंबा हो गया तो मैंने सोचा इसको चले दो पार्ट में कर लेते हैं कि चले आप लोग भी फिर फुल इन्जॉय करोगे, एक पार्ट में फिर आप लोग बोर हो जाओगे, तो इसीलिए मैंने इसको दो पार्ट में कर दिया। तो चले फिर वेलकम हो गया आप लोगों का मदीना शेख इंडियन व्लॉगर के व्लॉग्स पे। तो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो चले फिर आज का सेकंड पार्ट इन्जॉय करें। यहाँ पे जो है ना आपके भाईजान जो है ना गप्पे शप्पे लड़ाए थे, बच्चों का जो है ना सहरा इन लोगों ने उतार दिया था बिकॉज बच्चे जो है ना बहुत इरिटेट हो रहे थे। फिर भी शुक्र है अल्लाह का कि वो लोग ने बारात में सताए नहीं, तो बारात में उन लोग ने इन्जॉय किया क्योंकि वो ढोल बाजा बज रहा था, तो वो लोग भी डांस कर करके उन लोग ने घोड़े पर बैठ के ना डांस करके उन लोग ने इन्जॉय कराए। तो चलो यहाँ पे नहीं सताए वही बड़ी बात है, और फिर आने के बाद में जो है ना सहरा उन लोग को निकाल दिए, ज़्यादा टाइम तक भी कितना टाइम तक रखेंगे, बच्चे हैं छोटे से, तो बट जितना पिनाना था उतना पिना लिया। उनके दादा खुश, उनके अब्बा खुश, उनकी अम्मी खुश, उनकी फैमिली खुश हो गई, बस वही बड़ी बात है। अच्छा यहाँ पे जो है ना खाने का टेबल्स वगैरह लग गया था, तो मैंने बोला ना आपको हकीके का खाना है, तो हकीका जो उन्होंने किया तो उसका जो है ना उन्होंने खाना बना के सारे मेहमान वगैरह जो है ना सबको बुला के उन्होंने सबको इनवाइट किया उन्होंने कि हकीके का खाना जो है ना, कहते हैं ना हकीके का कोई कोई लोग जो है ना गोश्त बांट देते हैं और कोई लोग खाना बना के खिलाते, तो चाचा ने जो है ना गोश्त भी बांटे और साथ ही में जो है ना उन्होंने इनवाइट करके सबको खाना भी खिलाया। जो है ना मैं जो है ना बाहर आके बैठ गई थी, मतलब आपके भाईजन ने बोला कि अब तुम बाहर रिलैक्स करो क्योंकि मैं दोपहर से आई थी जब घर में थी ना, तो आपके भाईजन ने बोले बाहर इन्जॉय करो, खाना खिला रहे सबको तो तुम बैठो बाहर सुकून से और बाहर इन्जॉय करो, तो मैं बाहर आ गई थी। और साथ ही मैं आप लोगों को थैंक यू बोलूँगी कि कल के ब्लॉग पर आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, आप लोगों ने मुझे अच्छा वॉच टाइम दिया, मतलब मेरी वीडियोज़ पर मुझे अच्छा वॉच टाइम मिला, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ने मेरी वीडियोज़ को जो है ना फुल वॉच किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे ही आप लोग हमेशा मेरे ब्लॉग्स पे जो है ना मुझे हमेशा प्यार देना, मेरे ब्लॉग्स को हमेशा अप्रिशिएट करना जैसे आप हमेशा करते हो, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आज का खाना जो है ना वो मेरे चाचू ने बनाए थे, मतलब हकीके का जो खाना है ना वो चाचा ने बनाए थे, मतलब सारे चाचा लोग मिलके और जो लेडीज़ वगैरह थे ना वो लोग ने चॉपिंग वगैरह करके दिए थे। तो ये देखिए चाचा ने बनाए थे दाल गोश और साथ में जो है ना उन्होंने बनाए थे चावल, और दाल गोश भी ना अच्छी क्वांटिटी में बना था, अब ये कितना किलो बना था वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट अच्छी क्वांटिटी में बनाए थे दालचा उन्होंने।
तो अच्छा बना था, दाल चावल भी और चावल भी, तो और साथ ही में जो है ना हलवा भी बनाए थे उन्होंने, जो हलवे का क्लिप जो है मैं ले नहीं पाई। अच्छा आज जो है ना ये सब फंक्शन में जब देख रही थी ना, तो मुझे ना बैठे बैठे मैं बहुत चीज़ें सोच रही थी कि ना मतलब इतने सारे फंक्शन होते हैं बच्चों के, ये भी होता है वो भी होता है, मतलब बहुत सी चीज़ें ना मेरी लाइफ में ना बहुत सी फंक्शन ही रह गए, क्योंकि मैंने कभी फंक्शन इन्जॉय नहीं की अपने अपने बच्चों का, कभी कोई फंक्शन इन्जॉय नहीं की। तो जब मैं ये सब देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है अल्लाह मेरे बच्चों का ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। तो मैं सोचती रहती हूँ कि चले मतलब कोई बात नहीं, और मैं वहीं बैठ के बस एक चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी कि चलो कोई बात नहीं, मेरे बच्चों का ना नहीं हुआ कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जब मेरे बच्चों के बच्चे होंगे ना, तो इंशाल्लाह जितनी भी रस्मी रिवाज है ना जो मैं देख रही हूँ, जब से मैं मालवनी आई हूँ तो मैं जब देख रही हूँ मेरे चाचा लोग और मेरे फुप्पू लोग जो है ना, वो हर एक रस्में मतलब जो भी अपने बच्चों के लिए होता है ना, वो एक एक रस्में जो है हर चीज़ वो अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो मैं सब देख के मुझे समझ में आ रहा है कि अच्छा ये भी करते ये भी करते, तो बस मुझे ऐसे ही रियलाइज़ हो रहा था कि इंशाल्लाह जब मेरे बच्चों के बच्चे होंगे ना, तो मैं मेरे बच्चों के बच्चों के लिए ना हर रस्में जो जो होता है ना वो मैं सब कुछ करूँगी जो कि मेरे बच्चों के लिए नहीं हुआ। अच्छा यहाँ पर जो है ना ये सबसे जो है ना ये मेरे सबसे छोटे चाचा है और ये बिल्कुल है ना जो मेरे हम उम्र है, हो सकता है ना मे बी ये ना 2-3 महीने का फ़र्क है मेरे और मेरे चाचा के बीच में, बट वो जो है ना मेरे से बिल्कुल मेरे हम उम्र है। अच्छा यहाँ पर जो है ना आपके भाईजान ने आपको लाइक किया और आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया बोल रहे थे कि ना आप लोगों ने हम लोग के ब्लॉग्स को बहुत प्यार दिया, और वॉइस को मेरे को बंद करना पड़ा क्योंकि आवाज़ बहुत आ रही थी, शोरगुल बहुत आ रहा था, तो जिसकी वजह से मुझे वॉइस बंद करनी पड़ी। तो बस मैं वही बोल रही थी कि ना हाँ रस्में रिवाज मैंने ये सब कुछ मुझे नहीं पता, मुझे एग्जैक्टली कुछ भी नहीं पता है कि मतलब कैसा होता है क्या होता है। तो बस इंशाल्लाह देखिए हर एक माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि ना उनके औलाद का ये भी है वो भी है, बट मेरे बच्चों का ना सीरियसली कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई छिल्ला छट्टी हुई, दोनों बच्चों का कभी छिल्ला भी नहीं हुआ। और कहते ना कि हाँ खतना पे फंक्शन होती है ना वो हुआ, और लड़की की जब कान छिदाई करते कान छेदते तभी कुछ रस्में करते हैं ना वो हुई, और ना ही मेरे बच्चे जब 6 दिन के होते हैं ना कहते हैं ना काजल लगाते हैं थाल भरते हैं जब भी कुछ रस्में होती है ना वो रस्में हुई। देखिए फंक्शन तो मैं ये नहीं बोली कि बड़े बड़े होना चाहिए था, बट ना रस्में भी नहीं हुई, तो रस्में भी नहीं पता मुझे, तो कुछ भी नहीं पता। तो और हकीका हकीका तो हुआ ही नहीं अभी मेरे, ना नुमैर का हुआ ना माही का हुआ है, तो मतलब अभी फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं हुआ मेरे बच्चों का, कोई भी फंक्शन ना मैंने कोई रस्में अभी तक के कुछ नहीं हुआ मेरे बच्चों का इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह देखिए उस वक्त तो हम लोग एफोर्ड नहीं कर सकते थे कि हम लोग हमारे बच्चे जब हुए थे ना, तब उस वक्त तो हमारी कंडीशन बहुत ख़राब थी कि हम लोग इतना सब कुछ कर नहीं सकते थे, बट बस इतना ही बोलूँगी ना हम लोग एफोर्ड कर सकते थे, ना ही मेरे अम्मी अब्बा ने कभी कोई कोई भी कोई रस्में वगैरह कभी कुछ किया, तो मैंने कभी किसी से शिकायत भी नहीं किया कि ये करो वो करो। बस अभी फ़िलहाल मैं सब कुछ देख रही हूँ और सीख रही हूँ, और इंशाल्लाह जब मेरे औलाद के बच्चे होंगे ना, तो इंशाल्लाह जितने सपने मेरे अधूरे रह गए ना कि मेरे बच्चों का ये हो वो हो, जो अधूरे रह गए ना इंशाल्लाह मैं अपने औलाद के बच्चे जब होंगे ना, तो हम लोग वो सारे जो अधूरे सपने हैं ना वो जब पूरे करेंगे, सारे रस्म रिवाज जितने भी होते हैं ना, छोटी छोटी सी खुशियाँ भी हम लोग बटोरेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने अगर हम लोग दोनों को हयात रखा ना, तो मेरे औलाद के लिए मुझे जो भी करना है ना, जितने रस्म रिवाज जो भी है, जो मेरे बच्चों का नहीं हुआ ना, वो इंशाल्लाह मैं अपने औलाद के बच्चों का ज़रूर करूँगी, ताकि ना मेरे बच्चे कभी ये शिकायत नहीं करे कि उनके माँ बाप ने जो है ना उनके सपने जो है ना अधूरे छोड़ दिए। वो हमेशा ये बोले कि नहीं, उनके माँ बाप ने जितना भी फ़र्ज था उनके औलाद के लिए ना वो पूरा किए इंशाल्लाह। आप लोग दुआ करना कि आपकी मदीना पर के बहुत बहुत सपने जो अधूरे रह गए, तो आप लोग ने दुआ करना है कि उसके जितने भी सपने हैं ना सारे के सारे पूरे हो। तो बहुत सारी दुआ, और ये सब कुछ सपने कब पूरे होंगे पता है, जब लोग आप लोग मुझे बहुत सारी दुआएं देंगे ना तब। तो आप लोग ने बहुत दुआ देने अपनी मदीना को। क्या हो नुमैर, थक गया, नींद आ रही है, बस अभी खा के फिर निकलेंगे, बस बुला ले उसको, खा लेगी साथ में, साथ में खाती है तो खा लेगी वापस। चले लास्ट बट नॉट द लीस्ट है ना, एंडिंग में अभी चाची लोग भी सब साथ, हाँ एंडिंग है सब साथ, ये एंडिंग ही है अभी, आप लोग से हम लोग तो विदा अलविदा करने वाले हैं, खाना खाने के बाद बस, अब जितना जोश था सब निकल गया, थक गए आज, थक गए। और उसमें आप लोगों को दिख रहा है वाइट टी-शर्ट मेरा, कैसा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छा लग रहा है। ये चॉइस आपकी भाजी की है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी है ना, ऑनलाइन हाँ, कितने का आया था बताओ जरा, आप लोग बताइए कितने का, गैस करके कल के वीडियो में बताना, ये वीडियो में बताना गैस करके कितने का आया था ये, फिर मैं कल की वीडियो में बताऊंगी इसका प्राइस, और मैंने कहाँ से ली वो भी बताऊंगी। बढ़िया देखेंगे,
बहुत अच्छा टी शर्ट है, लेकिन एकदम कम्फर्टेबल, बहुत अच्छा है। आपके भाजन तो खुश हो गए इतने के बाद, मतलब हल्का भी है, टेंशन भी है। हाँ बेटा, माही को मैं बुला के भेजूँ, किधर है, आ जा। खाती थोड़ा से भरे ला, अम्मा खिलाओ रोटी सा, खोल के ले भरा उसको बोलता। हाँ नहीं नहीं चलेगा, मैं देख बेटा वो सो डाल, ज्यादा मत डालो। हाँ तुम्हारे भी इतना, बस रात का टाइम है, नहीं होता खाने। हाँ बस बस बस, चल आगे बैठ। हाँ बैग कौन लेगा, आप अरे लगा ठंडी है, देखो ठंडी ठंडी हवा। नुमैर फेरिन सो गई क्या? हाँ अभी कैसे सोएगी तू, तो बाइक पे तू तो बाइक पे कैसे सोएगी? बाइक पे नहीं, तो हमेशा आने के टाइम सो जाती है ना। हाँ। बाइक पे कैसे सोएगी? ये तो माई को हमेशा नींद आती है। अच्छा यहाँ पे से जो है ना, हम लोग यहाँ से सीधे घर पे नहीं, मेडिकल जाने वाले हैं, क्योंकि ना मेडिकल के बाजू में ना गैस चूल्हा बनाने सर्विस वाला है ना, तो उसको जो है ना आपके भाईजन ने बीच में आए थे और गैस का चूल्हा जो है ना उसको निकाल के दे दिए थे, ताकि ना उसको सर्विस करके रखे, क्योंकि गैस का चूल्हा जो है ना मेरा बहुत स्लो चल रहा था, तो काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे दे देंगे सर्विस को, बट खाना वाना बनता रहता कुछ ना कुछ, तो मैं दे ही नहीं पा रही थी। बट अभी क्या ना, मैं वहाँ फंक्शन में चले गई थी, तो घर में तो खाना बनाना नहीं था, तो इसके लिए आपके भाईजन आके ना बीच में वो चूल्हा जो है ना सर्विस को दे दिए थे, तो उसकी दुकान जो है ना जल्दी बंद हो जाती है, तो उसको बोल देते कि ना मेडिकल में देने, मेडिकल वाला जो है ना पहचानता है, तो उसने बोला था ठीक है मैं रख लूँगा। तो बस जाते जाते जो है ना रात को लेट हो गया था हम लोग को, तो हम लोग ने जो है ना मेडिकल से वो चूल्हा ले लिए थे और फिर हम लोग घर पर चलने लगे थे। तो चलो ये जो चूल्हे का सर्विस का काम था ना, तो ये भी हो गया साथ ही में हम लोग का। चले फिर आ गए घर पर, बस बहुत आराम करेंगे, बहुत थक गए, बहुत आराम करेंगे, हाँ आराम तो करेंगे, थक गए। आपके भाईजान डायरेक्ट आके देखे कहाँ घुसे गैस फिट करने के लिए, वो ज़रूरी है ना, वो तो लग गए अपना, क्योंकि फिर सुबह में गाड़ी पे निकल जाएंगे ना, तो ये रह जाएगा, तो पहले आके लगा दिया। और अभी क्या ना गरम गरम चाय बना के पियेंगे रात में हम लोग, और कभी भी कहीं भी जाकर आते हैं ना, तो पहले आपके भाईजान मस्त वाली दो कप चाय बनाते हैं, मैं और आपके भाईजान मिल के पीते, क्योंकि चाय के बिना मतलब थकान नहीं निकलती। हाँ अधूरी बिना रह रह नहीं सकती, मतलब थकान नहीं निकलती है, थकान जो है ना अभी चाय के पियेंगे तो निकलेंगे, थकान बहुत हो गई है। चलिए फिर ब्लॉग को एंड करेंगे, होपफुली आज का ब्लॉग भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, और हमारे चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब कर देना, एज वेल एज मेरी वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए फिर अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट मजेदार, इंस्टाग्राम पे भी। तो चले फिर अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट मजेदार वीडियो रेसिपी के साथ, जब तक कि दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।